है, मार्टन का प्लान का बच्चे सिस्टम थ्योरी है बच्चे, सिस्टम थ्योरी से बच्चे, ठीक है। और इस सिस्टम थ्योरीज में उसने सिक्स मॉडल दिए हैं बच्चे, उसके सिक्स मॉडल हैं बच्चे, ठीक है। हो सकता है कि अरेंज करने के लिए दे दे पेपर में कि कौन कौन से मॉडल हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल उसने दिया था बच्चे, द बैलेंस ऑफ पावर का बच्चे, फर्स्ट मॉडल जो है द बैलेंस ऑफ पावर है बच्चे। सेकंड मॉडल है बच्चे द लूज बाइपोलर सिस्टम, ठीक है बच्चे। थर्ड जो है बच्चे वो है द टाइट बाइपोलर सिस्टम, ठीक है। बेसमेंट, बेसमेंट में मैसेज कर देना बच्चे, ठीक है, बेसमेंट में लिखते हैं बच्चे। एंड फोर्थ है बच्चे द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, और फिफ्थ है बच्चे द हेरारकियल, द हेरारकियल इंटरनेशनल सिस्टम, और सिक्स है बच्चे द बीटो पावर, द बीटो सिस्टम। कैसे दो सिस्टम बच्चे, कुछ नहीं बैठ दो सिस्टम। और इसकी कापलान की बुक है बच्चे सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। ये बुक है बच्चे उसकी, और ये बुक 1957 में आई थी बच्चे। क्लियर है बच्चे? ठीक दिख रहा है तुम लोगों को ब्लैक बोर्ड पे बच्चे, 1957, युवराज 1957 में ये बुक्स आई थी, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और सिस्टम थ्योरी जो है बच्चे, एक्चुअली ये सिस्टम थ्योरीज बायोलॉजी में यूज होती है बच्चे, ठीक है ना। ये सिस्टम थ्योरीज का जो कंसेप्ट है ये बायोलॉजी से लिया गया है बच्चे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट हमने बायोलॉजी से क्या किया, बोरो किया है, ठीक है। और कोई भी सिस्टम होता है बच्चे उसके यूनिट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर को अगर हम एक सिस्टम बोलते हैं तो उसमें एक मॉनिटर है, एक सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, तब जाकर वो अपने आप में क्या होता है, एक सिस्टम बनता है। उसी तरीके से बच्चे जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, सिस्टम बोलना शुरू करते हैं बच्चे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, ठीक है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को थोड़ा सा साइंटिफिकली स्टडीज करने के लिए मार्टन कापलान ने सिस्टम थ्योरी का यूज किया था। वैसे सिस्टम थ्योरी जो है ये सोशियोलॉजी में यूज हुआ बच्चे पहले, और फिर सोशियोलॉजी के बाद डेविड स्टर्न ने कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में सिस्टम थ्योरी का यूज किया बच्चे, ठीक है ना। जैसे सिस्टम थ्योरीज में क्या होता है बच्चे, जर्नलिज, ठीक है ना, सिस्टम थ्योरीज में मान लो, ठीक है, सिस्टम थ्योरीज में क्या होगा, कुछ इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, और फिर क्या होता है, आउटपुट आता है, यही होता है ना बच्चे, ठीक है। आप इनपुट करते हो, इनपुट जो भी आप करोगे वो क्या होगा, सिस्टम में जाने के बाद प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के फॉर्म में आता है। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में हमने किसी डिपार्टमेंट को ये बोला, जैसे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट ही है, आपका यूनिवर्सिटीज है, तो आप लोगों ने बोला कि नहीं हमें सिक्स सेमेस्टर का पेपर नहीं देना, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, डिमांड किया, तो आपका डिमांड क्या है कि सिक्स सेमेस्टर का पेपर नहीं होना चाहिए। तो
तो वो जो डिमांड है वो इनपुट के फॉर्म में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है यानी कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास हो जाएगा, और वो लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे, और उस प्रोसेस के बाद वो लोग क्या करेंगे, एक डिसीजंस लेंगे, और जो डिसीजंस होगा बच्चे वही क्या होगा, आउटपुट होगा। इसी तरह से हमारा जो पूरा का पूरा ये जो पॉलिटिक्स है ना बच्चे, ये पॉलिटिकल सिस्टम है। हम लोग अपनी गवर्नमेंट से बहुत तरह की मांगे करते हैं, डिमांड करते हैं ना, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, गवर्नमेंट क्या करती है, सारी डिमांडें मान लेती है। जो आपकी डिमांड जेन्युइन होती है, जो राइट होती है, उस पर पॉलिटिकल प्रोसेस होकर लॉ बन के आता है, और जो डिमांड जेन्युइन नहीं होती है, बेकार होती है, उन सारे डिमांड को तुरंत क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर है इतनी चीज है? तो जो मार्टन कापलान है बच्चे, इसने क्या किया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडीज करने के लिए उसने 6 मॉडल दिए। यानी उसका मानना, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है बच्चे, एक तो कन्फ्लिक्ट है और दूसरा क्या है बच्चे, वार है। तो कन्फ्लिक्ट और वार को स्टडीज करने के लिए उसने 6 मॉडल दे दिए। आईआर में क्या है, एक तो कन्फ्लिक्ट है और दूसरा वार है। तो कन्फ्लिक्ट किस वजह से है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके लिए ही ये मॉडल दिए गए थे बच्चे। जैसे उसने फर्स्ट मॉडल क्या दिया, कहा द बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है कि अगर तुम 17 और 18 की सेंचुरीज में जाओगे बच्चे, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, तो अगर देखोगे बच्चे तो पूरे वर्ल्ड में 6 से 7 कंट्रियां जो थी वो पावरफुल होती थी, सुपर पावर होती थी। उन 6 और 7 कंट्रियों के बीच में क्या होता था, पावर जो होता था वो बटा होता था, और वही कंट्रीज क्या करती थी, पीस और कंफ्लिक्ट को क्या करती थी, मैनेज करती थी। इसको पावर ऑफ बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर बोला जाता है। तो आपके पास तरीका ये है बच्चे, मान लो कि कंफ्लिक्ट है या कंफ्लिक्ट है, इस कंफ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर दो, जो पावर है ना कंफ्लिक्ट जो है, उस कंफ्लिक्ट को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है ना, उस कंफ्लिक्ट को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो कंफ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए, या इधर बच्चा, कंफ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे तुम लोग, जैसे मान लो कि तुम जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी में झगड़ा हो गया, झगड़े हो रहे हैं, उस झगड़े को तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो क्या करोगे आप लोग, ठीक है, एक मीटिंग आपने बैठाई, सभी लोगों को आपने बुलाया, फिर ठीक है, फिर ठीक है, चलो उसके बाद भी अगर नहीं निकल रहा है तो फिर क्या करेंगे, दो लोग आपस में झगड़ा ना करें, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कर दीजिए, जो उस मोहल्ले के सबसे पावरफुल लोग हैं ना, जीमूम टाइप किए हुए लोग हैं, उनको आप मोहल्ले में क्या कर दो, खड़ा कर दो, और कहो भाई जब भी झगड़ा होगा ना तुम्हें लोगों को क्या कर देना है, अलग कर देना, झगड़ा नहीं होने देना। यही तो पावर ऑफ बैलेंस है। इसमें भी क्या हो रहा है, वर्ल्ड में कंफ्लिक्ट होगा ही होगा, ये नेचुरल टेंडेंसीज है बच्चे। क्योंकि नेचुरल टेंडेंसीज है, क्योंकि ह्यूमन नेचर इज अ सेल्फिश, ह्यूमन जो नेचर है वो क्या है, सेल्फिश है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहती है, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगी, पावर को इंक्रीज करेगी। तो मैं जितना अपने पावर को बढ़ाऊंगा ना, उतना पावर अभय का कम होगा, शशिकांत का कम होगा, रिया का कम होगा, लोकेश का कम होगा। तो मैं अपनी पावर बढ़ाऊंगा तो अभय तो शांत रहेगा नहीं, या शशिकांत शांत तो नहीं होगा, या लोकेश तो शांत नहीं होगा, या रिया तो शांत, ये लोग भी क्या करेंगे अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश। इस सिचुएशन में क्या होगा, कंफ्लिक्ट, क्योंकि तुम्हारा भी एक नेशनल इंटरेस्ट है, रिया के भी अपने इंटरेस्ट है, शशिकांत के भी इंटरेस्ट है, और लोकेश के भी इंटरेस्ट है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कंफ्लिक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये कंफ्लिक्ट वार में कन्वर्ट ना हो, तो हमसे जो पावरफुल लोग होंगे ना, उन्हें बोला जाएगा कि इनका ऑब्जर्वेशन आप करते रहो, जैसे ही कोई ये कंफ्लिक्ट क्रिएट करते हैं तो इनको समझा कर क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले तुम देखोगे जो कंफ्लिक्ट होते थे, उन कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए 5 to 6 सुपर पावर कंट्रीज होती थी, जो उन प्रॉब्लम्स को क्या करती थी, रिजॉल्व करती थी। इसी को बच्चे बैलेंस ऑफ पावर, यानी बैलेंस ऑफ, मार्टन का प्लान का कहने का मतलब ये है बच्चे कि बैलेंस ऑफ पावर में
हमें पावर को क्या कर देना चाहिए, सेंट्रलाइज ना करके पावर को सुपर पावर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो सके। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चे? दूसरी चीज है बच्चे, जैसे अगर तुम देखोगे बच्चे कि पावर ऑफ बैलेंस में, अगर हम बात कब की कर रहे हैं बच्चे, 18th सेंचुरीज की मैं बात कर रहा हूँ और 19th सेंचुरीज की अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो 18 और 19th सेंचुरीज में ना बच्चे, ब्रिटेन भी एक सुपर पावर कंट्रीज थी, फ्रांस भी एक सुपर पावर कंट्रीज है बच्चे, जर्मनी भी एक सुपर पावर कंट्रीज है बच्चे, ऑस्ट्रिया भी एक सुपर पावर कंट्रीज है, हंगरी भी एक सुपर पावर कंट्रीज है, इटली भी एक सुपर पावर कंट्रीज है, और यूएस भी एक सुपर पावर कंट्रीज था। तो 18 और 19 सेंचुरीज में पावर जो था ना बच्चे, इन्हीं कंट्रियों के बीच क्या था, डिस्ट्रीब्यूट था बच्चे, जो पावर ऑफ बैलेंस क्रिएट करते थे। जैसे ही कंफ्लिक्ट कोई होता था ना, ये कूद की जाते थे और दोनों पार्टीज को क्या कर देते थे, अलग करा देते थे। तो इस तरीके से क्या हो जाता था, पीस फॉर्मेशन हो गया, यानी बैलेंस ऑफ पावर के, पावर का यूज करके या बैलेंस ऑफ पावर मॉडल का यूज करके हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये मार्ट कापलान का बोलना है बच्चे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये तो जो जिनको अपने बैलेंस ऑफ पावर करने का पावर दिया है, कल को इन्हीं के बीच में अगर लड़ाई हो गई तो, और यही हुआ बच्चे कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कि आपस में इन्होंने लड़ना शुरू किया, जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी पीस क्रिएट करने की, वही कंट्रीज आपस में क्या करना शुरू कर दी, लड़ना शुरू कर दी बच्चे। क्लियर है बच्चे? तो इन बैलेंस ऑफ पावर, ये जो कंट्रीज हैं बच्चे, ये आपके नेशंस स्टेट्स हैं बच्चे, नेशंस स्टेट्स हैं जो मेन एक्टर हैं बच्चे पूरे पॉलिटिक्स के, ये मेन एक्टर होते हैं बच्चे, और कुछ कुछ नॉन नेशन स्टेट एक्टर होते हैं बच्चे, जैसे यूएनओ। यूएनओ कोई नेशन स्टेट नहीं है, ये एक नॉन नेशन स्टेट एक्टर है बच्चे, लेकिन यूएनओ का पावर, अब देखते हैं आगे, बैलेंस ऑफ पावर समझ में आया यहां तक सभी लोगों को? क्लियर है बच्चे बैलेंस ऑफ पावर तुम लोगों को, साक्षी युवराज जुवेरा बच्चे? बस, और एक चीज और, पेपर में क्वेश्चंस क्या हो सकता है बच्चे, ये जो 6 मॉडल है ना, तुम्हें इस मॉडल को इसी फॉर्म में प्रेजेंट करना है वहां पे। हाँ, ये सीक्वेंस में देगा, क्रोनोलॉजिकली तुम्हें क्या करना है, अरेंज करना है बच्चे। क्लियर है? अब देखो, बैलेंस ऑफ पावर के बाद से फिर क्या होता है बच्चे, लूज बाइपोलर सिस्टम। बाइपोलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, दो ग्रुप फॉर्म हो गए। जैसे हमने क्या किया बच्चे, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद से ही बच्चे टू पोल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था, दो गुट बनने शुरू हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही। जैसे ट्रीटी ऑफ पीस हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस के बाद से लीग ऑफ नेशंस का अपने फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद से तुम देखोगे ना बच्चे कि धीरे धीरे कॉम्युनिज्म जो है वो राइज करना शुरू करता है बच्चे। और कम्युनिज्म्स एक्चुअली राइज कब करता है बच्चे, स्टार्ट तो हो चुका था, कम्युनिज्म्स की आइडियोलॉजी आ चुकी थी, कम्युनिज्म्स एक्चुअली राइज किया बच्चे प्रॉपरली वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस था बच्चे, वो 1928-29 का है बच्चे, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो क्राइसिस था बच्चे, वो कैपिटलिज्म के वजह से था, उसके अगेंस्ट एक आइडियोलॉजी जो आई थी वो थी कॉम्युनिज्म, और वहां से बच्चे फॉर्मेशन ऑफ द पोल शुरू होता है बच्चे, दो पोल्स फॉर्म होने शुरू हुए बच्चे, ठीक है ना? तो लूज बाइपोलर सिस्टम का मतलब है बच्चे कि यहाँ पे जो दो पोल्स थे, उन दो पोल्स में जो कंट्रीज थी वो अलग अलग आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर उस पोल का पार्ट बनना शुरू की बच्चे। तो आप क्या कर सकते हैं, लूज बाइपोलर सिस्टम के थ्रू भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीस फॉर्म किया जा सकता है बच्चे। यानी दो पोल्स तो होंगे बच्चे, साथ ही यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है बच्चे, यानी नैम जैसे ग्रुप जो है वो भी एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे बच्चे। मतलब कुछ तो कंट्रीज होंगी बच्चे जो कैपिटलिज्म के साथ जाएंगी, और कुछ कंट्रीज होंगी जो कम्युनिज्म के साथ जाएंगी। कुछ कंट्रीज जो होंगी बच्चे, वो ना तो कैपिटलिज्म्स में जाएंगी ना तो कम्युनिज्म्स में जाएंगी, तो वो एक अपना क्या करेंगी, अलग पोल का फॉर्मेशन करेंगी, फॉर एग्जाम्पल नैम,
यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अगर तुम देखोगे बच्चे, तो स्टार्टिंग में क्या था, लूज बाइपोलर सिस्टम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, 1949 से कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है प्रॉपरली, मतलब 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, और उसके बाद से फुलटन स्पीच, और फुलटन स्पीच जो के बाद ही बच्चे तुम देखोगे कि कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है बच्चे। 1949 से कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो उस कोल्ड वॉर में तुम देखोगे बच्चे, एक तो नाटो था और एक आपका वर्सया था बच्चे। नाटो में स्टार्टिंग में फ्री नहीं था कि जो कंट्री नाटो में आना चाहती है वो आ जाए, और जो वर्सया में जाना चाहती है वो वर्सया में आ जाए, और जो इन दोनों में नहीं आना चाहती है वो किधर जाए, वो नैम में आ जाए। तो नैम के वजह से क्या हुआ बच्चे, कंफ्लिक्ट तो था, नैम का बहुत बड़ा रोल है बच्चे, क्योंकि नैम के वजह से थर्ड वर्ल्ड जो है, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ, नैम का ये रोल है बच्चे। वरना कोल्ड वार में कुछ ऐसे सिचुएशंस आई जब लगा कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, उस समय लगा कि थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उस समय थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि नैम पोल्स में जो कंट्रीज थी बच्चे, उन्होंने क्या किया, वार जैसी चीजों को सपोर्ट नहीं किया, वो यूएनओ को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, यूएनओ को उन्होंने पावरफुल करना शुरू किया बच्चे, यूएनओ को क्या करना शुरू कर दिया, पावरफुल करना शुरू कर दिया, जिससे कि कंफ्लिक्ट तो थे लेकिन वार जैसी सिचुएशंस आपके सामने नहीं है। तो ये जो है बच्चे, यानी लूज बाइपोलर सिस्टम के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पीस फॉर्म किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मार्टन का प्लान बच्चे। क्लियर है बच्चे? और हाँ बच्चे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का हाँ है। मतलब से ये जो अब तुम देखोगे ना, ये लूज बाइपोलर सिस्टम, टाइट बाइपोलर सिस्टम, ये सारे जो फॉर्म हो रहे हैं शशिकांत, ये फॉर्म हो रहे हैं बच्चे आफ्टर द कोल्ड वार। मतलब नहीं बच्चे, ये कंसेप्ट जो है वो है पॉलिटिकल साइंस का, ये जो सिस्टम थ्योरी जो है बच्चे, ये कंसेप्ट हमने साइंस से बोरो किया है बच्चे। ये सिर्फ सिस्टम थ्योरी एक्चुअली बायोलॉजी में यूज होती है बच्चे। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिन्होंने लाइफ साइंस पढ़ा होगा, बायोलॉजी किया होगा, उन लोगों को सिस्टम थ्योरीज कराई जाती है बच्चे, ठीक है? क्योंकि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडीज है ना बच्चे, तो हमारे ह्यूमन बॉडीज में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ह्यूमन बॉडी भी तो अपने आप में एक सिस्टम है ना बच्चे। ये बॉडी में बहुत तरह के फंक्शन होते हैं, तो उस फंक्शन को करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं बच्चे। इसी तरीके से तुम मान लो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स है बच्चे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होनी चाहिए जो उस प्रॉब्लम को क्या करें, सॉल्व करें, जिसमें से उन्होंने बोला कि एक बैलेंस ऑफ पावर आप मॉडल यूज कर सकते हैं फॉर अ पीस के लिए। दूसरा उसने बोला लूज बाइपोलर सिस्टम, कि जो आपका होना चाहिए, यहाँ पे जो वर्ल्ड होगा, पूरा वर्ल्ड जो होगा वो टू पोल्स में डिवाइड होगा बच्चे। लूज बाइपोलर में जो पूरा वर्ल्ड है वो उसके दो ही पोल्स होंगे, वहां पे ये नहीं इन्होंने बताया है कि वो कैपिटलिज्म होगा या कम्युनिज्म होगा। मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए बोल दिया कि एक कैपिटल पोल हो सकता है और दूसरा कम्युनिज्म हो सकता है, ठीक है? दो पोल्स हो गए बच्चे, ठीक है ना? तो इसी में जर्नलिस्ट मैंने बोला कि कुछ कंट्रीज होंगी जो दोनों पोल्स की मेंबर नहीं होंगी, वो मेंबर बनना ही नहीं चाहेंगी, ठीक है ना? क्योंकि वो मेंबर इसलिए नहीं बनना चाहेंगी क्योंकि हो सकता है कि आर्म्स रेस की स्टार्टिंग हो चुकी हो। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो कॉलोनीज थी, ठीक है, कॉलोनीज थी, कॉलोनी से वो अभी फ्री हुई थी, तो वो नहीं चाहती थी कि हम वापस किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं जिससे हम और पीछे चले जाएं। तो हमें इन दोनों तरह के पोल्स का पार्ट ही नहीं बनना है क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो डिफरेंट हैं। मतलब हमारी कंट्री में पावर्टी है, इनलिटरेसीज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हंगर इश्यूज हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो पहले मैं इसके लिए काम करूंगा या फिर दोनों पोल्स के आइडियोलॉजी को लेकर साथ आइडियोलॉजी के तरफ मूव करूंगा। तो हमने कहा भाई हमें उस तरह की चीजों में जाना ही नहीं है क्योंकि ना तो मैं नाटो में जाना हम चाहते हैं, ना तो वर्षे में जाना चाहते हैं। इसीलिए हमने नैम का फॉर्मेशन किया और नैम का एकदम क्लियर मोटिव था बच्चे कि हम कॉलोनिज्म का क्या करेंगे,
अपोज्ड करेंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस का अपोज्ड करेंगे, डिसआर्मामेंट को हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कंट्री की जो टेरिटोरियल सॉवरनिटीज होती है उसको हम क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे, किसी के इंटरनल प्रॉब्लम्स में इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। जबकि इसमें क्या होता है, अगर पोल्स का पार्ट बनते ना बच्चे, तो तुरंत तुम्हारे इंटरनल प्रॉब्लम्स में कोई ना कोई क्या कर जाता है, इंटरविंग कर जाता है, और इंटरफेरेंस करते प्रॉब्लम्स क्या हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं। तो इसीलिए लूज बाइपोलर में आपके पास ऑप्शन था। जब वर्ल्ड में लूज बाइपोलर होगा बच्चे, मान लो कि वर्ल्ड जो है उसमें अगर लूज बाइपोलर सिचुएशन है, तो नैम जैसे इंस्टीट्यूशन फॉर्म होते हैं। ये समझना, समझा यही रहे कि अगर वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं, अगर वो पोल्स काफी लूज हैं, लूज का मतलब ये है कि यहाँ पे सब कंट्री अपनी मनमानी कर रहे हैं, हर कोई अपने मन से जो लग रहा है वो कर रहे हैं, जो डिसीजंस लेना है वो डिसीजंस ले, तो उस सिचुएशन में बच्चे क्या हो सकता है, नैम जैसे थर्ड पोल का फॉर्मेशन हो सकता है बच्चे। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। और देखो बच्चे, जैसे जो पोल्स के पार्ट होते हैं, मतलब बाईपोल द लूज लूज बाइपोलर सिस्टम में ये भी बोला जाता है कि जो दो पोल्स हैं बच्चे, इन दो पोल्स के अगर मैं मेंबर हो गया बच्चे, तब तो मुझे नेशन स्टेट माना जाएगा। अगर पोल्स का मैं मेंबर नहीं हूं बच्चे, तो मैं नॉन नेशन स्टेट एक्टर माना जाऊंगा बच्चे। ठीक है, ये आपको नेशन स्टेट नहीं मानेंगे, ये आपको क्या बोलना शुरू कर देंगे, नॉन नेशन स्टेट मेंबर। आप दोनों पोल के मेंबर नहीं है तो आपको नॉन नेशन स्टेट मेंबर बोला जाएगा, या नॉन नेशन स्टेट एक्टर बोला जाता है। जैसे गुट निरपेक्ष के हम लोग क्या हुए, पार्ट हुए, नैम के हम पार्ट हो गए। तो जब नैम के पार्ट हो गए बच्चे, तो हमें वो लोग क्या बोलते थे, नॉन नेशन स्टेट मेंबर, मतलब हम दोनों पोल में से किसी भी पोल के मेंबर नहीं थे। नहीं, उनको तो क्या, ये कहता है ये सब इसी तरह से हैं, ये मजाक कर रहे हैं। और बाद में नैम पर काफी नैम का क्रिटिसिजम्स भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नैम कंट्रीज उन्होंने पहले तो बोला चिल्ला चिल्ला के, हम किसी भी पोल में नहीं जाएंगे, हम किसी भी पोल के पार्ट नहीं होंगे। बाद में तुम देखोगे ये सारी जो कंट्रियां थी वो किसी ना किसी पोल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक कर गई, फॉरन नेशनल इंटरेस्ट। पहले हम चिल्ला रहे थे ना, 70 तक हमने चिल्ला हम किसी भी पोल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब 1948 का वार हो गया, 1962 का वार हो गया, 65 का वार हो गया, और जब बगल में चीन जो था, ठीक है ना, वो जो नैम का पार्ट था, गुट निरपेक्ष का सदस्य, गुट निरपेक्ष का मेंबर है चीन, उसने परमाणु बम बना लिया, और इधर आप नैम के प्रिंसिपल में डिसआर्मामेंट की आप बात कर रहे हो, और दूसरा कंट्री क्या कर रहा है, एटम बम्स क्रिएट कर रहा है। दूसरी चीजें क्या कर दिया, कहा कि नैम जो कंट्रीज हैं वो खास तौर से किसी भी कंट्री के सॉवरिटीज के अगेंस्ट नहीं जाएंगी। चीन क्या हो गया, इंडिया में घुस गया, ठीक है, हमारे कुछ एरियाज को भी एक्वायर कर लिया। तो लोगों ने नैम पर ही क्वेश्चंस उठा दिया कि नैम जो है वो एक अपॉर्चुनिस्टिस्ट इंस्टीट्यूशन है, ये एक अवसरवादी लोग हैं, जब इन्हें अवसर मिलेगा वो उसके साथ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन नैम का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है बच्चे, तो नैम का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है कि स्टार्टिंग में जो बाइपोलर सिस्टम है वो काफी लूज है, अगर टाइट होता ना बच्चे तो नैम फॉर्म ही नहीं हो पाता, नैम का फॉर्मेशन ही नहीं होता। अगर नैम फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वर्ल्ड जो है बाइपोलर सिस्टम तो है, लेकिन वो किस तरह का बाइपोलर सिस्टम है, लूज बाइपोलर सिस्टम है बच्चे। ठीक है, और इसमें क्या होगा बच्चे कि लूज बाइपोलर सिस्टम में तीन तरह के स्टेट्स मिले बच्चे। एक तो पोल्स कंट्रीज थी जो पोल के मेंबर हो चुके थे, जिनको स्टेट बोला गया। दूसरे जो थे जिनको नॉन स्टेट बोला गया, नैम कंट्रीज को ये मेंबर नहीं है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टेट मेंबर बोलते हैं। और यूएनओ जैसी कंट्रीज जो थी वो फॉर्म हो गए बच्चे। तो यूएन का, अगर यूएनओ का इंपॉर्टेंस जो है ना बच्चे, या यूएनओ
अगर एक इंस्टीट्यूशन है और उसकी बातों को मानना चाहिए, वो पॉसिबल इसलिए हो पाया बच्चे कि नैम जो कंट्रीज थी ना, वो यूएन के प्रिंसिपल में बहुत विश्वास रखती थी, इसलिए कुछ यूएन की जो एक एग्जिस्टेंस थी वो बची रही, वरना यूएन भी खत्म हो जाता उसके बाद। बना तो आपने दिया था, कुछ कर तो पा नहीं रहा है। तो ये चीजें थी बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना बच्चे कि बाइपोलर सिस्टम में, जब द लूज बाइपोलर सिस्टम होगा ना बच्चे, तो यूएनओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो काफी इनका रोल जो होता है ना बच्चे, वो इफेक्टिव हो जाता है। जैसे कोरिया वार में जनरल असेंबलीज ने क्या कर दिया, पीस प्रपोजल ला दिया, पीस रेजोल्यूशंस ला दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जनरल असेंबलीज में पीस प्रपोजल आ रहा है, पीस रेजोल्यूशन आ रहा है, तो किन कंट्रियों के वजह से आया होगा? नैम कंट्रियों के वजह से ही आया होगा। तो लूज बाइपोलर, अगर लूज वर्ल्ड जो है उसमें अगर लूज बाइपोलर सिस्टम है ना बच्चे, तो यूएन का रोल काफी इफेक्टिव होगा। यानी रोल, अगर यूएन कुछ डिसीजंस ले रहा है ना, तो वो इंप्लीमेंट होते हुए तुम्हें दिखेगा बच्चे। यूएनओ का रोल कब खत्म हो जाएगा बच्चे? जब टाइट बाइपोलर सिस्टम हो जाएगा बच्चे। तो यूएनओ जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मतलब यूएन जो होगा ना पूरी तरह से साइलेंट हो जाएगा। टाइट पोलर सिस्टम में यूएनओ पूरी तरह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज, पूरी तरह से साइलेंट। और टाइट बाइपोलर सिस्टम में जो नॉन स्टेट मेंबर्स थे बच्चे, वो भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं बच्चे। सिर्फ यहाँ पे अब कंट्रीज जो होंगी वो दो पोल्स में डिवाइड रहेंगे बच्चे, और वो दो कंट्री ही सारा वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड क्या करती हैं, डिसीजंस लेती हैं बच्चे। तो ये भी सिचुएशंस हुए थे बच्चे, ठीक है ना, कि अमेरिका और यूएस, मतलब अमेरिका और यूएसएसआर, तो ये जो सिचुएशंस है बच्चे, ठीक है ना। मतलब यूएन जैसे जो इंस्टीट्यूशन होंगे बच्चे, टाइट पोलर सिस्टम में पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएंगे। जो पोल मेंबर्स कंट्रीज नहीं है वो भी पूरी तरह से साइलेंट हो जाएंगे बच्चे। तो इस सिचुएशंस को टाइट बाइपोलर सिस्टम बोला जाता है बच्चे, ठीक है ना। यानी यूएन का रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा टाइट पोलर सिस्टम में बच्चे, और नॉन मेंबर स्टेट का भी रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इस सिचुएशंस को टाइट बाइपोलर सिस्टम बोला, अगर वर्ल्ड में टाइट बाइपोलर सिस्टम है बच्चे, तो भी लोग मानते हैं, ये तो 100% नहीं बोला जा सकता है कि कन्फ्लिक्ट नहीं होगा या वार नहीं होगा। हाँ ये है कि कन्फ्लिक्ट और वार जैसी इश्यूज जो हैं वो कम देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं होते हुए दिखेंगे बच्चे, ठीक है ना, जब टाइट बाइपोलर सिस्टम होगा बच्चे। तो क्लियर है बच्चे? मतलब यूएनओ का रोल क्या होता है, यूएनओ जो है वो क्या है, एक तरह से यूएनओ का रोल जो होता है बच्चे, वो इंटरमीडिएटर है, मीडिएटर है, मीडिएटर के रोल पे काम करता है। तो टाइट बाइपोलर सिस्टम में फिर क्या होंगे, जो पोल कंट्रीज हैं वो डिसीजंस लेंगी ना, फिर यूएनओ का रोल कहाँ से होगा? तो टाइट अगर बाइपोलर सिस्टम हो गया बच्चे, तो यूएन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, नॉन मेंबर स्टेट है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं, सिर्फ बचे वर्ल्ड की दो सुपर पावर कंट्रीज, और वही वर्ल्ड की दो सुपर पावर कंट्रीज होंगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिसीजंस लेंगी। और जब यहां डिसीजंस लिया जाएगा बच्चे, तो ये जो दो पोल हैं बच्चे, इसके वजह से एक हायरार्कियल सिस्टम खड़ा होगा बच्चे। जैसे मैंने यूएसएसआर के हम पार्ट हो गए मान लेते हैं, हमने कम्युनिज्म्स को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, या फिर मैंने कैपिटलिज्म्स को ज्वाइन कर लिया, तो मुझे किसकी बात सुननी पड़ेगी? अगर मैं कम्युनिज्म्स को ज्वाइन करूंगा तो यूएसएसआर की बात सुननी पड़ेगी, अगर मैंने कैपिटलिज्म्स को ज्वाइन किया बच्चे तो मुझे किसकी बात करनी, यूएस की। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा बच्चे कि अगर कम्युनिज्म्स में आते हैं तो यूएसएसआर नीचे डिसीजंस देगा, यूएसएसआर का जो सबसे खास मेंबर कंट्रीज होगी बच्चे वो आगे डिसीजंस पास करेगी, और उसके बाद जो कंट्रीज है, तो यहाँ पे तुम देखोगे एक हायरार्कियल सिस्टम जो है वो क्या होने लगता है, फॉर्म होने लगता है बच्चे। यानी टाइट बाइपोलर सिस्टम में एक हायरार्कियल सिस्टम जो है वो क्या होगा, फॉर्म होगा बच्चे, ठीक है ना। टाइट बाइपोलर सिस्टम में क्या हो जाता है, एक हायरार्कियल सिस्टम जो है वो
आ जाता है, और क्योंकि पूरे, और इसको हम लोग टाइप बाइपोलर क्यों सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ दो ही पोल्स तुम्हें मिलेंगे बच्चे, और वो क्या, एक तरह से पूरी तरह से पानी पी लो, हाँ पी लो, ठीक है ना, टाइट बाइपोलर सिस्टम इसको बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? कोई कंफ्यूजन तो बताओ मुझे। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर मॉडल आया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर पीस के लिए पावर को डिवाइड कर रहे हैं सुपर, हाँ ये सारे सिक्स मॉडल हैं बच्चे, ये सिक्स मॉडल हैं फॉर अ पीस, ये मार्टन कापलान ने ये सिक्स मॉडल दिए हैं रिया, ठीक है ना। मार्टन कापलान के ने सिस्टम थ्योरी का कंसेप्ट दिया था, उनकी बुक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, और उसने ये सिक्स मॉडल दिए हैं, द बैलेंस ऑफ पावर, द लूज बाइपोलर सिस्टम, द टाइट बाइपोलर सिस्टम, और फोर्थ है द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, और द अब ये जो यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम है ना बच्चे, जो यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम है बच्चे, यहां तक समझ में आया? यानी टाइट बाइपोलर में दो पावरफुल पावर्स कंट्रीज हैं बच्चे। द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चे कौन आएगा? यूएनओ आएगा बच्चे, यानी यूएनओ को ही बच्चे द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम बोला गया है। यानी द टाइट बाइपोलर सिस्टम अगर खत्म होता है तो उसके बाद पावरफुल कौन बनेगा? यूएनओ बनेगा। यानी यूएनओ को बच्चे यहाँ पे द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम बोला गया है, और सारी नेशन स्टेट किसके कंट्रोल में होंगे? यूएनओ के कंट्रोल में होंगे। और यहाँ पे बच्चे द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम में यूएनओ जो होगा वो पॉलिटिकल डिसीजंस भी लेगा, लीगल डिसीजंस भी लेगा, और इकोनॉमिकल डिसीजंस भी लेगा। हाँ ये क्रोनोलॉजिकल है बच्चे, हाँ यहाँ पे बच्चे, मैंने लूज बाइपोलर में यूएन क्या हो गया है, पूरी तरह से साइलेंट हो चुका है बच्चे, मतलब टाइट में पूरी तरह से क्या है, साइलेंट है। लेकिन जब ये चीजें खत्म अगर होती है बच्चे, टाइट बाइपोलर सिस्टम अगर टूटता है बच्चे, तो फिर यूएन ही तो बच्चे यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आएगा बच्चे, फिर यूएन की ही तो बात लोगों को माननी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद से तो अभी तक हम यूएस और एसएसआर की बात मान रहे थे, अब ये दोनों खत्म हो चुके हैं बच्चे, तो अब पूरा मानकर तुम चलो कि अब जब टाइट बाइपोलर सिस्टम में यूएस भी खत्म हो चुका है, यूएसएसआर, तो ये जो अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेचर ऑफ स्टेट है वो किस तरीके का हो गया? एनार्किस्ट हो गया, कोई सर कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है और करना, तो ये सिचुएशन जो हुआ किस तरीके का हुआ? एनार्किस्ट हुआ, यानी नेचर ऑफ स्टेट वाली सिचुएशन आ गई। तो फिर यहाँ पे किसी न किसी को तो आपको लोगों को रेगुलेट करने के लिए पावरफुल तो बनाना पड़ेगा ना, किसी को तो पावर देना पड़ेगा, तो आप यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम में पावर किसको आप दे रहे हैं बच्चे? यूएनओ को दे रहे हैं। वो है, लेकिन उस समय मान लेते हैं बच्चे कि यूएनओ को अगर ऐसा हुआ नहीं, अगर यूएन के पास अपना बजट होता, यूएन टैक्स लेवी कर सकता था, यूएन के पास अपनी, अगर को एज्यूम कर रहे हैं बच्चे, ये सारा मॉडल जो है वो एज्यूम किया जा रहा है बच्चे, ये रियलिस्टिक मॉडल नहीं है बच्चे, इसमें से कुछ मॉडल जो है उसने एज्यूम किया है, ये छह मॉडल में से चार मॉडल ऐसे हैं जो काल्पनिक हैं, वो ये कल्पना कर रहा है कि अगर यूएनओ पावरफुल हो जाए तो समय सारे नेशन स्टेट यूएन के कंट्रोल में आ जाएंगे, सभी नेशन स्टेट को यूएन के डिसीजंस को मानना पड़ेगा, तो इस तरीके की अगर सिचुएशंस हो जाए तो भी पीस फॉर्म हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बच्चे। प्रैक्टिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो वो कापलान जो है ना बच्चे, वो एक तरह से इमेज कर रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वो क्रिएट कर रहा है बच्चे, वो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब वो बना नहीं रहा है, उसने हाइपोथेटिकली एक आपको दे दिया कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और तुम देखो जब यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम फॉर्म होगा बच्चे, तो यहाँ पे पावर कौन मिल रहा है? यूएनओ को मिल रहा है,
यहां पर क्या होगा बच्चे, नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरनेशनल इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा बच्चे। यानी अभी अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए अभी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन फॉर्म होती है बच्चे तो यहाँ नेशनल इंटरेस्ट सेकेंडरीज हो जाएगा और इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी पोजिटिव पे आ जाएगा बच्चे, इस सिचुएशंस में बच्चे। अब तुम समझ रहे हो क्वेश्चंस क्या निकाले जा सकते हैं, क्वेश्चंस ये निकाले जा सकते हैं पेपर में कि अगर मान लेते हैं कि द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इस सिचुएशन में आप बताइए कि नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा या फिर इंटरनेशनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। यानी यूएनओ जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देगा या इंटरनेशनल इंटरेस्ट उसके लिए इंपॉर्टेंस होंगे यूएनओ के लिए। तो हाँ, ऑप्शन में तुम्हें क्या टिक करना पड़ेगा, इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है वो उसके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो लोग अच्छा काम करेंगे यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम में उनको यूएनओ क्या करेगा, रिवार्ड्स देगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी इसमें बोली जाती हैं कि ये चीजें होंगी जहां पे यूएनओ जो है लोगों को क्या कर रहा है, रिवार्ड्स दे रहा है बच्चे। हुआ नहीं बच्चे, हाँ हमें फालतू की चीजें पढ़ के जानी है, हो सकता है कि कभी इस चीज को पॉसिबल बनाया जाए बच्चे। एंड उसके बाद जो एक सिस्टम फॉर्म हो सकता है वो है हेरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम बच्चे। ठीक है ना, ये भी एक तरह से हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है बच्चे, यानी जो फिफ्थ है ये भी, ये एक रियल सिचुएशन है बच्चे, ये एक रियल सिचुएशन, ऐसा हुआ है, कभी टाइट बाइपोलर सिस्टम फॉर्म ही नहीं हुआ है। कोल्ड वॉर में भी लूज बाइपोलर सिस्टम था ना पूरा का पूरा, तभी तो नैम फॉर्म हो गया था। तो लास्ट में जाके क्या 1971 में इंग्लिश कंट्रीज ने यूएसएसआर फोर्ड ले लिया था लेकिन नैम 1971 खत्म नहीं हुआ, अभी भी उसमें चिल्लम चिल्लाट करते रहते हैं ना, मीटिंग्स तो करते रहते हैं ना, अभी भी तो नैम एग्जिस्ट करती रहती है ना, मीटिंग्स होती रहती है, ये लोग नैम तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन नैम जैसे इंस्टीट्यूशंस ना एग्जिस्टेंस है। हाँ, सिग्निफिकेंस खो दिया वो, उस चीज को मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो चीज तुम जो बोल रहे हो सही है कि नैम ने अपना सिग्निफिकेंस खो दिया है, लेकिन तब भी नैम एग्जिस्ट करता है, उसके सिग्निफिकेंस खोने में उसके जो मेंबर कंट्रीज है ना उनका बहुत बड़ा रोल है, कि उन्होंने जो प्रोमिसेस किए थे उस प्रोमिसेस पर वो टिके नहीं रहे, अडिग नहीं रहे, वो उन्होंने अपने ही प्रोमिसेस को तोड़ना शुरू कर दिया। तो अगर देखा जाए तो ये दो रियल सिचुएशंस हैं बच्चे, मतलब लूज बाइपोलर सिस्टम और तुम्हारा पावर ऑफ बैलेंस, ये दो सिचुएशंस तुम्हें देखने को मिलेंगी, टाइट बाइपोलर सिस्टम कभी आया नहीं। द यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, द उसने द हेरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम की बात की बच्चे, यानी इसमें क्या होगा बच्चे कि इस सिचुएशन में हेरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिपोलर सिचुएशन होगा बच्चे, यानी वर्ल्ड की एक सुपर पावर कंट्री होगी और उसी सुपर पावर कंट्रीज के अंदर सभी कंट्री उसके डायरेक्शन में काम करेंगे बच्चे। कहाँ हुआ है आफ्टर कोल्ड वॉर में, हुआ कहाँ, तो बहुत कम ही रहा ना, बहुत लंबा खींच नहीं, क्योंकि उसके बाद से बहुत तेजी से 90s के बाद से तुम देखोगे बच्चे यूनिपोलर सिचुएशंस तो आ गया 90s के बाद से, लेकिन उसके बाद अगर तुम 6 7 8 साल तक है यूनिपोलर सिचुएशन, उसके बाद से बहुत सारी इकोनॉमिक इमर्ज कर गई बहुत तेजी से, तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं, ये यूनिपोलर सिचुएशंस नहीं है, ये तो मल्टीपोलर सिस्टम है। आज अमेरिका ही पावरफुल कंट्री नहीं है, मतलब पावर का मतलब उसकी आर्मी, उसकी इकोनॉमी, ठीक है ना, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, यही पावर को प्रेजेंट करता है। लेकिन आज तुम देखोगे बहुत सारी कंट्रीज हैं, जितनी उसकी बड़ी आर्मी है उतना चाइना भी लेकर बैठा हुआ है, इंडिया भी काम कर रहा है, जापान भी काम कर रहा है, जर्मनी भी काम कर रही है। तो अब हम बोल सकते हैं कि अभी का जो सिचुएशन है बच्चे ये यूनिपोलर सिस्टम नहीं है, जहां पे एक कंट्रीज सभी कंट्रियों को क्या कर रही है, डायरेक्शंस दे रही है और सभी कंट्रीज काम कर रहे हैं। 90 में हो सकता है कि जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो यूएसएसआर को खुद ही अपनी इकोनॉमी को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिस्ट्रक्चर्ड करने के लिए अमेरिका से हेल्प लेने की जरूरत पड़ गई, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे एक
ठीक है ना, सिचुएशंस जो था वो हेरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम सिचुएशंस आ चुकी होगी, जहां पे अमेरिका ने यूएसएसआर को बोला कि इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन नहीं देना है, यूएसएसआर ने इंडिया को मना कर दिया क्रायोजेनिक इंजन देने से। लेकिन उसके दोस्त उसके कुछ टाइम बाद जब ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट साइन हुआ तो उसमें MTCR था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन है, उसमें 300 किलोमीटर रेंज की आप मिसाइल टेक्नोलॉजी दे नहीं सकते, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल जो थी उसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा की है। वो चीजें मिली, यानी कुछ टाइम के बाद ही फिर जो है वो बाइपोलर सिस्टम जो है वो फॉर्म होना शुरू हुआ। इसका मतलब समझ में आया, हेरार्किया इंटर सिस्टम में वर्ल्ड में एक सुपर पावर कंट्री होगी और वही सुपर पावर कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में पीस फॉर्म करेगी, पीस फॉर्मेशन के लिए काम करे। कल बोल दिया अच्छा तुम लड़ाई कर लो, नेक्स्ट डे बोला कि नहीं अब तुम्हें वार बंद कर देना चाहिए, अब आपको वार नहीं करना चाहिए। तो इसी सिचुएशंस को बच्चे हेरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं बच्चे। ये अपने आप को रियलिस्टिक ही है बोल रहा है कि मैं एक रियलिस्टिक है, मतलब चीजों को थोड़ा सा ये साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ उसी तरह के प्रिंसिपल्स दूंगा जिस तरीके के प्रिंसिपल्स नेचुरल साइंस में होते हैं। ये आइडियोलॉजी की, ये इनको तुम बिहेवियरिस्ट बोल सकते हो बच्चे, ये बिहेवियरिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। सिस्टम थ्योरी है, बिहेवियरिस्ट वो थिंकर्स, बिहेवियरिस्ट आइडियोलॉजी जो है बच्चे उसमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को साइंस के सब्जेक्ट जैसा स्टडीज किया जाए। मतलब हम जैसे नेचुरल साइंस को स्टडीज करते हैं, उसके बाद नेचुरल साइंस में कुछ कंसेप्ट डेवलप किए जाते हैं, कुछ थ्योरीज बनाई जाती हैं, उसी तरह की कुछ थ्योरीज यहाँ पे भी क्या किया जाए, डेवलप किया जाए बच्चे। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया बच्चे, ह्यूमैनिटीज में चीजें स्टेबल नहीं होती हैं, बहुत तेजी से चेंज होती हैं। सोसाइटी जो है बच्चे वो बहुत डायनेमिक है। आज अब है मुझे यहाँ मिल रहा है, हो सकता है कि कल या परसों इसको मैं खोजूं, आज मेरे लिए सैंपल है, परसों इसको खोज रहा हूँ ये मिलेगा ही नहीं, तो फिर अब इसके जगह पे मैंने किसी दूसरे को सैंपल के फॉर्म में लिया, पूरा तुरंत के तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ह्यूमन, अभी मैंने कहा कि नहीं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, तो जैसे इंटरव्यू की बात आएगी ना तो बड़ी सोच समझ के क्या करेगा, जवाब देगा। लेकिन मैं कहूंगा इंटरव्यू नहीं है तो बहुत खुल के बोलेगा, तो उस सिचुएशन में हम कैसे क्यूरेट एक प्रिंसिपल बना सकते हैं बच्चे, ये बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। नेचुरल साइंस में ये दिक्कत नहीं आती है बच्चे, आपने चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया और आपने एक प्रूफ कर दिया, एक कंसेप्ट आपका बन किया गया। द हायरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम समझ में आ रहा है बच्चे, यानी अगर बोला जाए बच्चे तो यहाँ हायरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम में एक सुपर पावर होगी, ठीक है बच्चे, और उसी सुपर पावर के कंट्रोल में सभी कंट्रीज आएंगी, वो सुपर पावर ही सभी कंट्रीज को कंट्रोल करेगा। तो लोगों ने बोला कि फिर तो प्रैक्टिकली ये सिचुएशन कैसी हुई, यूनिपोलर की हुई। इस सिचुएशंस को प्रैक्टिकली क्या हम बोल सकते हैं, यूनिपोलर बोलेंगे, ठीक है ना। और जहां यहाँ पे यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम में यूएन जो है अपने मर्जी से काम करने वाला है, इस सिस्टम में हेरार्कियल इंटर सिस्टम में यूएनओ जो है वो सुपर पावर के कंट्रोल में काम करना शुरू कर देगा बच्चे। मतलब सुपर पावर जैसा बोलेगा वैसा ही यूएनओ को करना है, आई बात समझ रहे जी बच्चे। हाँ, यहाँ का हायरार्कियल, यहाँ टाइट बाइपोलर सिस्टम में दो ग्रुप बन रहे हैं बच्चे, एक तो यूएस बन रहा है और एक यूएसएसआर बन रहा है बच्चे, ठीक। हाँ, ये ज्यूम करके हम चल रहे हैं बच्चे, ये पूरा हम एज्यूम कर रहे हैं, जैसे मैथ्स में एज्यूम करके ना आंसर निकालते तो उसी तरह से एज्यूम करके चलना है हमें, कि एक साइड में यूएस है, एक साइड में यूएसएसआर है। यूएस में जो कंट्रीज हैं उनको यूएस से ऑर्डर आएगा ऐसा ऐसा करना है, जैसे यूएसएसआर में जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी बच्चे, उन सभी कम्युनिस्ट कंट्रीज को ऑर्डर यूएसएसआर की देता था, इसीलिए हंगरी में प्रॉब्लम्स हो गया, चेकोस्लाविया क्राइसिस हुआ, ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में इश्यूज हुए थे बच्चे। क्योंकि कम्युनिज्म्स में क्या हुआ, एक हम डिमांड करते हैं ना कि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए और फास्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ। यूएसएसआर ने क्या कहा कि नहीं, हंगरी में क्या कहा, जैसे अभी हमने किसको वहां का हेड बना रखा है, मान लेते हैं ए को हमने हेड बना रखा है, और फिर यूएसएसआर ने बोला कि नहीं बी अब जो होगा वो हेड होगा, पब्लिक जो है वो ए को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, पब्लिक को
को बी से बहुत दिक्कत है, तो पब्लिक नहीं चाहती है कि बी हंगरी का हेड हो, रसिया चाह रहा है कि नहीं बी ही क्या होगा पब्लिक का, बी ही जो है वो क्या होगा हेड ऑफ द स्टेट हो, पब्लिक ने क्या कर दिया रिपोर्ट कर दी। तो यहां पे जो ऑर्डर आ रहा है बच्चे वो ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ से आ रहा है बच्चे। जैसे इंडिया में लोगों ने पूछा कि इंडिया में कम्युनिज्म से जो है वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ, उसका मेन रीजन ये था बच्चे कि डिसीजन मॉस्को में लिए जा रहे हैं, मॉस्को और इंडिया की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चे, उतने लोग कम्युनिस्ट इंडिया में नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था, क्योंकि गिने चुने लोग कम्युनिस्ट थे बच्चे। जैसे एम एन रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट थे, और इंडिया में जो कम्युनिज्म की स्टार्टिंग होती है एम एन रॉय की वजह से होती है, बाद में उन्होंने खुद ही लेनिन को गाली देकर एम एन रॉय खुद ही बाहर होकर बाद में कहा कि भाई हम तो कम्युनिस्ट नहीं है, अब मैं ठीक है ना न्यू ह्यूमनिज्म के तरफ मैं चलूंगा, तो उसने एक नया कंसेप्ट दे दिया और कहा कि इंडिया में वो लोग बोलते थे एम एन रॉय जैसे लोग ये बोलते थे कि जो कांग्रेस है वो क्या है बुजुर्गवा क्लास है, और जो कांग्रेस है वो लोगों का क्या कर रहा है एक्सप्लाइटेशन कर रहा है। लेनिन ने क्या कहा कि नहीं, अगर तुम्हें ब्रिटिशियस से अपने आप को फ्री कराना है तो तुम्हें कांग्रेस की मदद से ही ब्रिटिशियस से अपने आप को फ्री करा सकते हो। तुम्हें कहा एम एन रॉय ने कहा नहीं भाई कांग्रेस तो खुद ही कल को एक्सप्लाइट करेगी, लोगों का शोषण करेगा एक्सप्लाइटेशन करेगा, तो हम क्यों इसकी मदद लें, वो मैं आगे तुम लोगों को समझाऊंगा। यहां तक समझ में, हेरार्कियल सिस्टम में बस देखो कुछ मत इतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। हेरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम में एक सुपर पावर कंट्रीज होती, उसी सुपर पावर कंट्रीज के कंट्रोल में सभी नेशन स्टेट आएंगे बच्चे, यूएन भी जो है वो भी सुपर पावर के कंट्रोल में आएगा, और ये जो सिचुएशन है बच्चे वो यूनिपोलर की। तुम अब इसको एज्यूम करके देखना, पूरे मोहल्ले का एक गुंडा हो गया बच्चे, दादा बना दिया आपने उसको भाई तू है, तुम्हें लगता है कि उस मोहल्ले में लोग चाय से चू करेगा कोई भी, या दूसरे मोहल्ले का गुंडा या कोई भी वहां से उठकर चला है बच्चे? नहीं ना, सेम सिचुएशन यही है यूनिपोलर में, एक दादा रहेगा कोई और दूसरा नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है ना। तो वो हेरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम है बच्चे, ये हम सारे हाइपोथेटिकली ही सोच रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चे, यहां पर भी एक हेरार्कीज फॉर्म हो रही है बच्चे। तो इसमें हेरार्कीज में क्या हो रहा है बच्चे, ठीक है ना, कि यहां पे एक डायरेक्शंस दिया जाएगा, जो भी डायरेक्शंस या जो भी ऑर्डर आएंगे बच्चे वो टॉप जो सुपर पावर है उसके थ्रू डिसीजंस लिए जाएंगे। मतलब सुपर पावर जो है, यूनिपोलर में एक कंट्री सुपर पावर है, वही कंट्रीज क्या करेगी डिसीजंस लेगी, और वो डिसीजंस सभी को क्या होंगे मानने पड़ेंगे। तो इस सिचुएशंस को हम लोग डिक्टेटरशिप्स भी बोल सकते हैं बच्चे। इस हेरार्कियल सिस्टम में डिक्टेटरशिप्स क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा बच्चे, मतलब उसके ऑर्डर आपको लेने ही पड़ेंगे, आप उसके ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो बच्चे, ठीक है ना, समझ में आ रही है, ठीक है, नहीं तो तुमसे बस इतनी ही पूछने वाली है बच्चे, ठीक है ना। ये सिचुएशंस यहां तक है बच्चे, और दूसरा क्या होगा बच्चे, ठीक है ना, पॉलिटिकली तो ठीक है ना, सुपर पावर का डिसी, सुपर पावर जो है बच्चे पॉलिटिकली वही सभी को कंट्रोल करेगा। इसी तरीके से इन्होंने नॉन डायरेक्शंस में भी कुछ चीजें रखी हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड ट्रेड पर किसका कंट्रोल होगा, तो हेरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम ये बोलता है कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड पर जो कंट्रोल होगा वो किसी डेमोक्रेटिक स्टेट का होगा, पूरा डेमोक्रेटिक स्टेट जो है उस पूरे वर्ल्ड ट्रेड को क्या करेगा रेगुलेट करेगा बच्चे, क्योंकि झगड़ा जो होता है वो ट्रेड के वजह से भी होता है। तो ये एक सिचुएशन है, और उसके बाद है बच्चे द वीटो सिस्टम, यानी इस वीटो सिस्टम में क्या, यहां तक समझ में आया सभी लोगों को, युवराज साक्षी जुबेरा दीक्षा क्लियर है बच्चे। अब इसके बाद द वीटो सिस्टम है बच्चे, वीटो का मतलब ये मतलब लगा ना वोटिंग पावर से बच्चे, यहाँ पे वीटो का मतलब ये है, वीटो सिस्टम में सभी स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन से बच्चे, यानी वीटो सिस्टम में सभी स्टेट के पास क्या है न्यूक्लियर वेपन से बच्चे, सभी देश कंट्रीज के पास जो भी वीटो सिस्टम है उस वीटो सिस्टम में सभी कंट्री के पास क्या है बच्चे परमाणु बम है, हर नेशन स्टेट के पास परमाणु बम है बच्चे,
हर एक स्टेट के पास एफिशिएंसीज है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। हर स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो ये एफिशिएंसीज तो आएगी कि मैं खुद अपने आप को क्या कर सकता हूँ, प्रोटेक्ट कर सकता हूँ उसे। इस सिचुएशन में भी बच्चे पावर स्ट्रगल होगा, द वीटो सिस्टम में भी क्या होगा, पावर स्ट्रगल होगा। जैसे तुमने ये सिचुएशन भी आई थी कि जैसे अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गया, फिर रशिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ गया। बच्चे क्या रशिया ने दोबारा न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाया? नहीं, दोनों में कंपटीशन लगेगी कि किसके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, किसके पास कम न्यूक्लियर कम नहीं होने चाहिए, मेरे पास भी उतने ही होने चाहिए जितने रसिया के पास है। तो यहाँ पे जो एक पावर ऑफ स्ट्रगल जो स्टार्ट हो रहा है बच्चे, वो वीटो सिस्टम में किस तरह के सिचुएशंस को फॉर्म कर देगा, एनार्कियल सिचुएशंस को फॉर्म कर देगा बच्चे, क्योंकि यहां पर भी कोई किसी की नहीं सुनेगा। एक आर्म्स रेस जो है वो स्टार्ट हो रही है, चलनी शुरू हो चुकी है, और कोई किसी की नहीं सुन रहा है कि क्यों आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो, मैं क्यों न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा हूं। यहाँ पे यूएनओ की बात कोई मानने वाला नहीं है, यूएन प्रिंसिपल्स में कोई विश्वास नहीं रखता है, अमेरिका की बात कोई नहीं सुन रहा है, रसिया की बात कोई नहीं सुन रहा। हर कंट्री जो है बच्चे वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेने के लिए क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। तो इस सिचुएशंस को द वीटो सिस्टम में एनार्किस बोला जाता है, यानी एनार्कियल सिचुएशंस वो सिचुएशंस होती है बच्चे जहां पे लोगों को रेगुलेट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे किसको, वीटो सिस्टम में तो वही बता रहा हूं, वो वीटो सिस्टम को उन्होंने वीटो सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चे, समझ में आया। वीटो सिस्टम को एक कैरेक्टरिस्टिक कि इसमें जो स्टेट होंगे उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होगा, हर स्टेट के पास एफिशिएंसीज होगी फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, हर स्टेट अपना प्रोटेक्शन कर सके। कौन, हाँ हाँ तो डेटरेंस आ जाएगा। हाँ, तो डिटरेंस आ जाएगा। यही चीजें हैं बच्चे, वही तो समझा रहा है कि सभी के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएगा बच्चे तो एक डिटरेंस सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, कभी भी न्यूक्लियर स्टेट आपस में वार नहीं करेंगे। अपने आप न्यूक्लियर वेपन्स क्या कर देता है, एक डिटरेंस क्रिएट कर देता है। क्यों, कंफ्लिक्ट रहेगा, मतलब दो सैनिकों, मेरे दो सैनिकों को आपने मार दिया, मैंने आपके दो सैनिकों को मार दिया, कुछ ईंट आपने मेरे ऊपर फेंक दिया, कुछ ईंट मैं आपके ऊपर फेंक दूं, टोटल टोटल वार नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर डिटरेंस सिचुएशंस क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और वो मास डिस्ट्रक्शंस वेपन्स है बच्चे, अगर किसी ने भी यूज किया तो पूरी मानवता जो है ना, पूरा ह्यूमनिज्म जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डिटरेंस क्रिएट होता है। तो उसने ये कुछ बताएं कि ऐसा करके पीस फॉर्म हो सकते हैं, यानी सभी कंट्रियों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो वार नहीं होंगे। दिक्कत क्या होता है कि चलो सभी कंट्रियों के कंट्रीज में तो ये समझ है कि मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर मैंने यूज किया तो दूसरी जो मेरे अगेंस्ट कंट्री है वो भी यूज करेगी, और कहीं मैं साइज में छोटा हुआ तो मैं तो पूरा खत्म हो जाऊंगा, उसका तो कुछ पार्ट बचा भी रहेगा, तो मैं अपने एग्जिस्टेंस को क्यों खत्म करूं। दिक्कत क्या आएगी बच्चे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर आपके पास एक पावर है उसमें ये हो सकता है कि अब वार जैसे सिचुएशंस तो नहीं, अब सभी कंट्रियों के लिए जो प्रॉब्लम है वो है टेररिज्म, कहीं वो न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के हाथों में ना आ जाए। किसमें, इसमें नहीं आएगी बच्चे, नहीं तो सभी कंट्रियों के पास न्यूक्लियर कंट्रीज के पास वेपन है, तो यहाँ पे मल्टीपोलर सिस्टम फॉर्म हो सकता है बच्चे, यूनिपोलर नहीं फॉर्म होगा। हाँ, तो उसमें हो सकता है कि मेरे पास 10,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किस कोई कहे मेरे पास 50,000 है, तो ना मेरे पास भी हैं आपके पास भी हैं, तो सभी के पास एक क्या होता है, न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है द वीटो सिस्टम बच्चे। तो ये चीज भी करके आप पीस फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए तुम देखोगे थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा नहीं, अगर हुआ तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप भी नहीं बचेंगे, मैं भी नहीं बचूंगा और कोई नहीं बचेगा अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो। लेकिन कोई भी अपने ईगो को इतना सेटिस्फाइड करने पर नहीं लगेगा कि पूरी मानवता कोई खत्म कर दे, ठीक है ना, वो पागल ही होगा फिर अगर ऐसा करना चाह रहा है कि नहीं पूरे वर्ल्ड खत्म
में वापस वार कराया जाए और पूरी इंसानियत को ही खत्म कर दिया जाए और कुछ लोगों को बचा लिया जाए, फिर नए तरीके से वर्ल्ड जो है वो क्रिएट होगा। मुझे कुछ है ना ऐसे खतरनाक तरह की पिक्चरें आती रहती है ना, कौन सा स्क्विड गेम था ना, तो कुछ लोगों को बचा लेते हैं बाकी सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। नए तरीके से एक वर्ल्ड क्रिएट होगा, नए रूल्स होंगे, ठीक है, नए रेगुलेशन होंगे। तो ये इनके 6 मॉडल है, समझ में आ गया 6 मॉडल है। तो इन्होंने अपने तरफ से कोशिश की है कि पावर ऑफ फॉर्मेशन हो। बच्चे क्वेश्चंस में ये 6 मॉडल तुमसे पूछा जा सकता है, इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, एक तो क्वेश्चंस यही आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन और बनेगा नहीं, क्योंकि ये जितना मैंने बताया तुम्हें ये सब्जेक्टिव लिखने में आता है, ये जितना हाँ फुल्टन स्पीच। एक्चुअली फुल्टन ने बोला कि जो ईस्टर्न यूरोप है और जो वेस्टर्न यूरोप है उसके बीच में कर्टन ऑफ वॉल, आयरन की एक वॉल खड़ी हुई, यानी उन्होंने कम्युनिज्म पर कमेंट कर दिया। चर्चिल ने फुल्टन यूनिवर्सिटीज में स्पीच के लिए बुलाया गया अमेरिका में, तो चर्चिल गए और चर्चिल ने बोला कि एंड्रियाटिक से लेकर कोई सी बताते हैं वहां तक एक आयरन ऑफ द कर्टेन वॉल है, मतलब उन्होंने कमेंट किसके ऊपर किया, कम्युनिज्म के, और वहीं से फिर क्या होता है कोल्ड वार की स्टार्टिंग, हाँ उसी को कंसेंट ऑफ द कोल्ड वार बोला जाता है, वहीं से कोल्ड वार की पूरी स्टार्टिंग होती है। बच्चे ठीक, वो मैं बताऊंगा अभी आगे, ये चीजें क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। तो इसमें देखो पेपर में क्या करना है, एक तो इसकी क्रोनोलॉजी की तुम लोग को ध्यान में रखना है, दूसरा क्वेश्चन में ये आ सकता है कि सिस्टम थ्योरी किसने दी है, ठीक है ना। तो सिस्टम थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में अंतर है, डिफरेंसेस है, दोनों को एक साथ मत कर देना सिस्टम सिस्टम देख के। वो वालरस्टीन की थ्योरी है बच्चे, मार्क्सिज्म की जो एक थ्योरी आईआर में, ठीक है, न्यू मार्क्सिज्म की जो एक थ्योरी आईआर में, वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी है, दो न्यू मार्क्सिज्म की थ्योरी हम लोग आईआर में देखते हैं। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अलग एक चीज है, ठीक है ना, जो ये बता रहा है कि किस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कन्फ्लिक्ट है, वो कन्फ्लिक्ट बता रहा है। मार्टन कापलान जो है वो एक कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशंस देने की कोशिश कर रहे हैं, वार से कंट्रियों को कैसे सेव किया जा सकता है, सेफ किया जा सकता है, उसके कुछ उन्होंने तरीके बताए बच्चे, बस ये चीज है। तो पेपर में एक तो इनकी बुक तुम्हें ध्यान में रखना, जब भी तुम पढ़ोगे बच्चे, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो इतना नॉलेज की यूज तो नहीं होगा, हाँ ये यूज तुम तब कर पाओगे जब तुम सिविल सर्विसेज का पेपर देने गए और वहां पे उसने मार्टन कापलान के 6 मॉडल अगर पूछ दिया, तो ये जितनी मैंने चीजें बताई हैं तुम्हें 150-200 में लिख कर आने पड़ेंगे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव जाएंगे तो इस ये जो पूरा एक क्रोनोलॉजी है, द बैलेंस ऑफ पावर, द लूज बाइपोलर सिस्टम, द टाइट बाइपोलर सिस्टम, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, हेरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम, द बीटे सिस्टम, क्लियर है। ये क्रोनोलॉजिकली बुक्स, सिस्टम थ्योरी किसने दी है ये ध्यान में रखना। एक दो चीजें और भी ये इन्होंने बताई थी बच्चे जो मैंने नहीं तुम लोगों को बताया, यानी देखो मार्टन कापलान ने एक चीज ये भी बोला कि मान लेते हैं ठीक है, मार्टन कापलान से ये पूछा है, जैसे उन्होंने ये भी बोला कि कोई स्टेट है मान लेते हैं, ठीक है, एक स्टेट ए है बच्चे, इस स्टेट ए को ना अपने पावर को क्या करना है, इंक्रीज करना है बच्चे। तो इस स्टेट ए को अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशंस या हेल्प ऑफ द वार, हेल्प ऑफ द टॉक या हेल्प ऑफ द वार, यानी मींस क्या होना चाहिए इस स्टेट ए को पावर को इंक्रीज करने के लिए, टॉक। वही चीजें मार्टन कापलान ने बोला कि हर समय आपको हेल्प किसकी लेनी है, अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए टॉक की, बातचीत के द्वारा आप अपने पावर को बढ़ाएं, वार के द्वारा नहीं। अगर आपको अपने पावर को बढ़ाना है तो आपको वहां पे क्या करना है, बातचीत करना है, वार करना है बच्चे, क्लियर है बच्चे। दूसरी चीज है बच्चे, मार्टन कापलान ने पावर इंक्रीज के लिए टॉक को सपोर्ट किया है बच्चे, वार को सपोर्ट नहीं किया। कोई स्टेट ए है बच्चे,
इस स्टेट ए को अपने स्टेट की सिक्योरिटीज के लिए कभी कभी हेल्प ऑफ द वार, वार का क्या करना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए बच्चे। ये भी मार्टिन का प्लान ने बोला है कि कोई स्टेट है और उस स्टेट अपनी सिक्योरिटीज के लिए हेल्प ऑफ द वार, वार का सहारा ले सकता है फॉर अ सिक्योरिटीज रीजन। वो अपनी सिक्योरिटीज के लिए क्या कर सकता है, वार का हेल्प ले सकता है, ठीक है ना। तो आप वार का भी क्या कर सकते हैं बच्चे, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब रिस्क लेना चाहिए फॉर अ सिक्योरिटीज के लिए, आपको वार का रिस्क लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि रिस्क लेने से जनरली क्या होता है बच्चे, एक तो स्टेट की पावर जो है वो इंक्रीज होती है, और दूसरा स्टेट में ना पेशेंस का भी फॉर्मेशन होता है और एफिशिएंसी जो है वो भी फॉर्म होती है बच्चे, ठीक है ना। मतलब पावर आ गया, आपको एक मजबूती चाहिए, तो वो पावर और मजबूती जो है ना वो कब मिलेगी आपको, जब आप वार में जाए, कि आप में सामर्थ्य होता है ना कि आप लड़ सकते हैं कितने दिन तक। हाँ नहीं, कहने का मतलब जैसे यूक्रेन है बच्चे, तो उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, वो लड़ रहा है। अब कल को अगर यूक्रेन से छोटा देश होगा ना, उनको दो थप्पड़ मार के वो हरा देगा, क्यों, कहेगा कि रसिया जैसे देश से मैंने 25 दिन, 25 डेज और 30 डेज तक मैंने क्या किया है, लड़ा है। तो एक लड़ने का सामर्थ्य भी लाना होता है। जैसे कभी कभी तुम देखोगे ना, एक छोटा बच्चा होगा वो बड़े लोगों से लड़ जाएगा, है तो वो छोटा, लेकिन वो छोटा जो लड़का है वो बड़े से लड़ने के लिए अगर रेडी हो रहा है ना, मतलब उसमें एक सामर्थ्य है बच्चे, नहीं है बिल्कुल, क्यों, वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है बच्चे, ठीक है ना। नहीं, हो सकता है ना मरे, उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो सकता है कि वो मार दे, ये भी चीजें हो सकती हैं बच्चे। दूसरी चीजें बच्चे, मार्टन कापलान ने ये भी बोला है कि अगर कोई नेशन स्टेट है बच्चे, तो उस नेशन स्टेट को वार में खत्म नहीं करना चाहिए, कि उस वार हो गया उस नेशन स्टेट के साथ। मान लेते हैं एक नेशन स्टेट ए है और एक मान लेते हैं बी है बच्चे, ए थोड़ा सा पावरफुल है, बी जो है वो कमजोर है, इन दोनों के बीच में वार हो गया, तो मार्टिन कापलान ये बोलते हैं कि बी को पूरी तरह से फिनिश्ड नहीं करना है, कि पूरी तरह से आप खत्म ही कर दें, आपको पूरी तरह से उसे खत्म नहीं करना है। जब लगे कि नहीं अब ये हार चुका है और ये हार अपना एक्सेप्ट कर लेगा, उस समय वार को क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। अरे जब खत्म ही कर दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, तो किसको अपनी पावर तुम दिखाओगे, ये पूरी लड़ाई तो हम पावर के लिए ही कर रहे हैं, तो एकदम सबको खत्म कर दोगे, खाली जमीन पर पावर दिखाओगे अपनी, कुछ मिलना भी तो चाहिए ना। तो ये थोड़ी है कि रसिया ऐसे ऐसे जगह पे हमला करा कि लोग बचे रहे, 30-40 लाख लोग चले गए, ठीक है, ये नहीं करेगा कि पूरा का पूरा यूक्रेन को मिट्टी में मिला दे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मिट्टी में अगर कोई चीज मिल जाती है ना बच्चे, तो फिर वहां पे क्या करेगा वो, कुछ नहीं, उसको फैन फिट हुआ, ठीक है ना। अगर वार लंबा खींचता है बच्चे, तो उसको मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, पूरा सब कुछ वहां जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सब कुछ मिट्टी में मिल चुका होगा, उसको दोबारा फॉर्म करना पड़ेगा। तो एक तो वार में पैसा चला गया पूरा का पूरा, और दोबारा जब फॉर्म करने जाओगे तो भी तो पैसा आपका वेस्ट होगा, उसमें इन्वेस्ट होगा, और फिर पता नहीं सिचुएशंस कब ठीक हो बच्चे। तो इसलिए बच्चे और एक चीज ये भी है बच्चे, ये इन्होंने ये भी बोला था कि जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हारे हुए स्टेट को वापस आने देना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए जनरली तुम देखो कि ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हो जाए, किसी भी कंट्री के बीच वार हो जाता है, कुछ टाइम के बाद से टॉक फिर से स्टार्ट किया जाता है बच्चे, उसको इन्वॉल्व करना जरूरी है बच्चे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वापस से। ये नहीं कि आप उसको एकदम ही धुतकार कर बाहर फेंक दो, तो वो कब आपके लिए खतरनाक हो सकता है ना। जैसे जर्मनी को क्या कर दिया, हरा दिया आपने, और जर्मनी से हराने के बाद उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ही बाहर कर दिए, तब तो इतना अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करता है बच्चे, कि आप उसकी इतना ज्यादा अपमान कर दो उसका, कि वो उस चीज को क्या कर पाए, बर्दाश्त न कर पाए, तो वो फिर बदला लेने के लिए आएगा बच्चे, और फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जर्मनी ने यही किया कि उसने अपनी बेज्जती के, जो उसकी बेज्जती हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसका बदला लेने के लिए उसने सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट करा दिया,
ठीक है, काम जर्मन है, हम हार कैसे सकते हैं? हम तो पहले से लड़ाकू हैं, लड़ने वाले वीर लोग हैं, तो हम तो हार ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर ऐसा कोई लीडर मिल गया और जब आप में कॉन्सियसनेस नहीं है, तो फिर आपको वो क्या करेगा, वार तक लेकर जाएगा। जर्मनी में यही हुआ, हिटलर से कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा था कि भाई वार करना क्यों है, ठीक है ना। और दूसरा, जब किसी कंट्री में, ठीक है ना, बातचीत कम होना शुरू हो जाए, बच्चे टॉक कम होना, डिबेट एंड डिस्कशन जब कम होने लगेगा ना, तुम समझ लेना कि उस सिस्टम में टोटलिटेरियन सिस्टम फॉर्म अप होगा। क्योंकि आप जब बातचीत करना शुरू करते हो, तो जो गवर्नमेंट है या जो रूलर है, आप उसके पॉलिसीज का अपोज करते हो, ये सारी चीजें आती हैं बच्चे, क्लियर। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं बच्चे। तो मार्टन कापलान ने बोला कि जो लूजर स्टेट होते हैं उनको रीएंट्री मिलनी चाहिए इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, और उनको वही एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, भले ही क्यों ना हारे हो, बेइज्जती नहीं करना, चिढ़ाना नहीं है ना। अरे तुम तो हार गए थे हमसे 1948 के वार में, तुमको 65 के वार में भी खूब मारे थे, ठीक है, 71 के वार में भी मारे, 99 के, तो फिर आग बबूला हो जाएगा ना, वो गुस्से में आ जाएगा, जिसे ये चीज हो भी गई थी। 99 का जब कारगिल वार खत्म हुआ, तो उसके बाद से आगरा शिखर सम्मिट हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में तुम लोगों को पढ़ा रहा था, और ये भी बोला था कि आगरा शिखर सम्मिट जो था वो एक फेलियर शिखर सम्मिट था, क्योंकि उसमें कुछ डेवलपमेंट हुए ही नहीं। आगरा शिखर में बुलाया तो गया, दोनों स्टेट खेल रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ क्वेश्चन ही ऐसे पूछ दिए गए, मीडिया ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा कि परवेज मुशर्रफ नाराज हो गए, और उसने भी बोल दिया कि हम भी नहीं बोले हैं कि आपने पाकिस्तान को तोड़वा दिया। तो कहने का मतलब, अगर कोई हेड ऑफ द स्टेट ऐसी बात अगर बोलता है ना, तो सभी लोग विश्वास करने लगते हैं, तो फिर इंडिया में भी लोग यही सोचने लगे कि सही में पाकिस्तान को भारत ने ही तोड़वाया है, और वर्ल्ड में फिर क्या मैसेज आया कि नहीं, भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान के दो पार्ट करा दिए। अभी तक तो हमने बोला कि नहीं, हमने हमने थोड़ी दो पार्ट करवाए हैं, वो तो वहां के जो बंगाली मुस्लिम थे उनको अलग राज्य चाहिए था, वो खुद लड़े हैं, और एज अ इंसानियत हमने सपोर्ट किया, हम थोड़ी इंटरनेशनल पॉलिट, वरना हमारी एक रिस्पेक्ट खराब होती है, इसमें वाहवाही वाला काम थोड़ी है कि बड़ा लोग अच्छा मानेंगे, अरे तुमने देश को तुड़वा कर बहुत अच्छा काम किया है, अमेरिका बहुत खुश होगा, अरे भाई आ बैठो, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो एक तरह से क्या है। तो हेड ऑफ द स्टेट, जब कोई हेड ऑफ द स्टेट ऐसा स्टेटमेंट देना शुरू कर देता है बच्चे, तो उस पर लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पलट के तुमने पूछ दिया कि आप टेररिज्म्स को क्या करते हैं, स्पॉन्सर्ड करते हैं, टेररिज्म्स को आप क्या कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान में आप पनाह दे रहे हैं, ऐसा आप जब प्रश्न हेड ऑफ द स्टेट से, तो पूछना ही नहीं चाहिए, ये बात आपको पता है, हर प्रश्न नहीं पूछने होते हैं, कब कहाँ पूछने ये जरूरी होती है बच्चे, ठीक है ना। लेकिन मीडिया जो है वो तो तुम जानते ही हो, ठीक है ना, तुम प्राइवेट मीडिया वाले गए थे पूछ दिए, उसके बाद से मीडिया वालों को अलाउ ही नहीं किया जाता है। प्राइवेट मीडिया को जब भी हेड ऑफ द स्टेट कॉन्फ्रेंसेज होते हैं बच्चे, वो नेशनल टीवी ही कवर करेगी, बाकी प्राइवेट मीडिया को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने भी नहीं दिया जाता है। और पता तो है ही आपके कंट्रीज में, आपके पास भी तो रिपोर्ट है ना, कि कौन सा जिसे रवीश कुमार को भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, उठपटांग पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है ना, उसको भेजें या नहीं भेजें, वहां पे पता नहीं क्या पूछ दे, ठीक है, कुछ ऐसे को ना भेज दे कि हमारी सरकार की लगे तारीफ में कुछ और भी बोलने, तुमको कहा जाता तुम इधर ही रहो, ढंग के लोग जाएंगे जो ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछेंगे, और हाँ नहीं भेजा जाएगा, कहेगा उनसे क्वेश्चन, हेड ऑफ द स्टेट क्वेश्चन ही नहीं लेगा। जैसे एक बुलाया भी जाता है ना, कि जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट आता है और नॉर्मल पब्लिक भी आती है, बुलाया जाता है, तो उसमें मीडिया वाले भी बैठ जाते हैं, वो सीधा होता है कि मीडिया वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चंस करना होगा एक कॉमन मैन करेगा वहां पे हेड ऑफ द स्टेट से। तो ये चीज है बच्चे, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे, इसीलिए जर्नलिस्ट ये है बच्चे, इसीलिए तुम देखोगे ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमने लड़ाई कर ली तो पाकिस्तान के साथ बातचीत ही नहीं करें, सिचुएशन जैसे ठीक होंगी, जैसे करतारपुर साहिब कॉरिडोर हमने स्टार्ट कराया कि चलो एक कोई टाइम ऐसा आ जाएगा जब बातचीत के लिए दोनों गवर्नमेंट एक साथ आएंगी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा तो है नहीं,
और वार जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन दे नहीं सकता है। तो अगर किसी भी समस्या का एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो वो है सिर्फ बातचीत। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रसिया और यूक्रेन की समस्या का हल सिर्फ बातचीत ही है। किसमें? तो वो तो टेस्ट कर रहे थे, हो गया तो उसमें माफी मांग लेंगे। टेक्निकल फेलियर्स होते हैं। हाँ, टेक्निकल फेलियर है उसमें, तो क्या है। और हम उसमें जनरली इंडिया और पाकिस्तान में जब भी इस तरह के मिसाइल टेस्ट होते हैं तो पहले इन्फॉर्म किया जाता है। किया जाता है, वो पहले बताया जाता है कि मिस्टर हाँ वो हो चुका, हाँ कि पहले से हो जाता है। ये बातचीत, ये एमयू साइन है बच्चे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कि हम कोई भी टेस्ट करते हैं, कोई भी मिसाइल टेस्ट नहीं, अलग अलग एमयूज होते हैं। तो जो भी हम मिसाइल टेस्ट अगर हम कर रहे हैं या न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो हमें पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना जरूरी है। और पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेस्ट और मिसाइल टेस्ट करता है तो वो भी हमें इन्फॉर्म करेगा। तो इससे क्या होता है, एक पता चलता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। मतलब मिसाइल टेस्ट हम इसलिए भी तो कर रहे हैं, मैं मिसाइल का यूज किसी को मारने के लिए थोड़ी करना है। मिसाइल का यूज हम लोग सेटेलाइट को भेजने के लिए भी तो करते हैं। मिसाइल ही तो यूज किया जाता है ना सेटेलाइट को भेजने के लिए, तो उसका यूज करते हैं। तो उसके लिए हो गया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आए होंगे। तो ये चीजें जनरली ध्यान में रखनी थी बच्चे हमें यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मार्टन का प्लान है बच्चे, वो यही समझाना चाह रहे हैं कि आप ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए आपको हेल्प ऑफ द टॉप टॉप का हेल्प लेना है। कभी कभी हो सकता है फॉर सिक्योरिटीज आपको वार की जरूरत पड़े तो आप वार भी कर लें। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये तुमसे क्रॉनिकली ये चीजें पूछी जा सकती है मार्टिन कापलान। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताओ मुझे, जो ना समझ में आया हो बच्चे, अगर समझाने को बोला जाए तो समझा लोगे तुम लोग। जुबेरा ठीक है, युवराज समझ में आ गए बच्चे, दीक्षा दृष्टा ठीक है बच्चे। तो यह क्रोनोलॉजी रट के जाना है बच्चे, बुक्स रट के जाना है, सिस्टम थ्योरी रट के जानी है, ये ध्यान में रख के जाना है। कल नहीं होगी बच्चे क्लास, मतलब क्लासेस हम रेगुलर करेंगे बच्चे अप्रैल से मान कर चलो। मतलब नेक्स्ट तुम कोशिश रहेगा, मतलब कि सेम टाइम नहीं, मतलब अभी इसकी तो कोई डेट नहीं आ रही है, अभी भी फॉर्म का वो टेंटेटिव भी ही चल रहा है। मान कर चलो कि जून से तुम्हें पेपर देने हैं बच्चे, मई लास्ट जून से पेपर आपको देने हैं, इसलिए अब आपको दो तीन, हाँ तो फिनिश तो उसी पेपर के साथ ही तो पेपर होते हैं इनके भी, पेपर के साथ ही पेपर होंगे बच्चे। और फॉर्म सभी यूनिवर्सिटीज के भरने हैं बच्चे, ये कोई नहीं करेगा कि नहीं मैं सिर्फ जेएनयू का भरूंगा और ड्यू का भरूंगा, सभी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरने हैं। ठीक है, तो ये मत करने लगना कि नहीं जी मैं तो सिर्फ जेएनयू का फॉर्म फिल करूंगा, जामिया में नहीं जाऊंगा पढ़ने। ठीक है, जेएनयू आई आर भी तो है तो पढ़ लो ना, वेस्ट एशिया भी तो ठीक है, आई आर पढ़ना ही नहीं है यार, आई आर फाइआर विभाग भी नौकरी नहीं मिलती है, चक्कर में फंस जाओगे। ये देखने में सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये बस सुनने में इंटरेस्टिंग है, नौकरी थोड़ी इस पे मिलेगी तुम्हें, ये भी तो देखो ना। ठीक है ना, आईआर तुम्हें फाइनली क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस में देना पड़ेगा पेपर, तो सबसे अच्छा है कि पोल साइंस पढ़ लेना चुपचाप। ठीक है ना, तो आईआर मिले तो भी ठीक है, कर लेना, लेकिन आईआर का स्कोप बहुत कम है। जैसे पोल साइंस में वैकेंसीज बहुत मिलेंगी तुम्हें आगे रिसर्च के लिए भी, फॉर टीचिंग के लिए भी, आईआर का स्कोप इसलिए कम है बच्चे क्योंकि आईआर पढ़ाया जाता है सिर्फ हायर एजुकेशन में, सिर्फ यूनिवर्सिटीज लेवल पे है। हाँ, हो तो जाते हैं बच्चे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि पूरा तुमने जो जर्नलिस्ट क्या होगा, 2 साल जब तुम आईआर पढ़ोगे ना तो जब नेट का पेपर देने जाओगे ना पोल साइंस, वो क्रैक ही नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें पॉलिटिकल थ्योरीज, वेस्टर्न और ये सारी चीजें, तो तुम्हें नेट आईआर से देना पड़ेगा आगे।
और रिसर्च भी आईआर में करनी पड़ेगी बच्चे। और फिर वहां पे जब वैकेंसीज की बात आती है बच्चे, तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज लेवल पे कम हो जाएगी। वैसे क्या होता है कि अगर मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में कर लिया बच्चे, और तुम्हारा बीएड हो जाता है कहीं से, तो तुम्हारे पास क्लास 11 12 पर लेक्चर आर बनने के ऑप्शंस मिल जाते हैं एक तो, दूसरा ऑप्शंस तुझे मिल जाएगा पीएचडी और रिसर्च करने के लिए, तीसरा ऑप्शंस आपको मिल जाएगा रिसर्च करने के लिए। आईआर में सिर्फ एक ही ऑप्शन खुलेगा, या तो तुम आईआर से टीचर बनोगे, या फिर जेआरएफ और रिसर्च करके खत्म, या फिर बहुत अच्छे तुम आईआर में हो बच्चे तो हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल हायर कर ले। नहीं, नए लोगों को भी हायर किया जाता है फॉर अ रिसर्च के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हायर करती है। मैं तो देखो सभी को कहूंगा कि चाहे जेएनयू में भी जाओ तो पोल साइंस पे को ही प्रायोरिटीज पे रखना। आईआर जो है ना वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चे, बस यही है, स्कोप उसका बहुत ज्यादा नहीं है अभी फिलहाल के लिए नहीं है, समझ रहे हो? नहीं, यही है, आराम से हो जाएगा, होने को तो सभी में हो जाएगा। किस, अरे वो इससे नहीं होता, नहीं होता क्या, सब इसी तरह से हो जाते हैं, कोई बस पढ़ के जाना, ध्यान से करके आना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, हर साल ही हो रहे हैं। तो सीनियर ने पढ़ा ही नहीं होगा तो नहीं हुआ होगा। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड का तुम पिछले कई तुमसे मिलवा दूंगा, जाओ वहाँ मिल लेना नाम बता के। अस्मिता राणा है ठीक है, वो तो मैथ से थी, उसका है जेएनयू में, तीनों डिपार्टमेंट में उसका तो सिलेक्शन है। पता नहीं, हाँ लोकल वालों को भी दे देते हैं ये तो, जेएनयू वाले सबको रख देते हैं, हॉस्टल में सबको मिल जाता है। करोगे क्या आजकल में रह के जंगल में घूमते रहो? कुछ नहीं, हाँ तो चले जाना, घूम लेना जाना उसमें, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जामिया है तुम्हारा, आईआईटीज तुम्हारे पास पड़े हुए हैं। हाँ आईआईटीज में भी होता है, गुवाहाटी आईआईटीज है, वहां पे भी पॉलिटिकल साइंस है। आगे पीएचडी अगर तुम्हें करना है तो आईआईटी से पीएचडी करना है, कुछ आईआईटीज में होगा, ह्यूमैनिटीज पढ़ाए जाते हैं आईआईटीज में। हाँ कुछ जगह पे है, गुवाहाटी आईआईटीज में है ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाती है, यही सब वहां पे भी पूछते हैं। ना ना ना, ये नॉर्मल उनका एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, एमए एंट्रेंस एग्जाम्स के, एमए के नाम से ही वो लोग एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं। गुवाहाटी में आईआईटीज में है एमए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, वहां पे भी। हाँ जेएनयू का अलग अलग कलर, नहीं कोई नहीं, कैसे सेम सब्जेक्ट में हूँ, अच्छा। प्रमोशन से एजुकेशन उसका सर्टिफिकेट का है, मतलब एकेडमी का क्या लेना? अच्छा उधर कर लेते हैं। एक तुम लोग को मेरे को लगता है उस दिन पीडीएफ वाले जो फाइल में डिसीजंस मेकिंग भी गया था ना, डिसीजंस मेकिंग भी होगा बच्चे उसमें, रीचर
रिचर्ड स्नाइडर है जो नोट्स उन लोग के पास है डिसीजन मेकिंग का, एक है हाँ मंडे को बच्चे क्लास करेंगे। हाँ सेमी अभी तो यही टाइम चल रहा है, तुम लोग कॉलेज के बाद ही आ रहे हो ये ना, मंडे को इस डिसीजन मेकिंग थ्योरीज को हमें खत्म करना है बच्चे, कि यही बच जाएगा और उसके बाद कोल्ड वार इश्यूज मुझे पढ़ाने, तो एक दो क्लासेस और लगेंगे मुझे इसलिए। उसके बाद IGP तो चल ही रहा है बीच बीच में, IGP का ख़त्म ही करते हैं लगा के यार, फिर इसके वजह से पब्लिक सब में से पूछेगा, मतलब इसके बाद वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स हैं, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बच रहा है और IGP। मान कर चलो कि ड्यू में ना कम से कम 30-35 क्वेश्चन जो है उससे हैं, सब थ्योरी से वेस्टर्न और इंडियन, नहीं थ्योरी वेस्टर्न थॉट्स इंडियन थॉट्स, पॉलिटिकल थ्योरीज वेस्टर्न और इंडियन थॉट्स से मिलाकर 25-30 क्वेश्चन सिर्फ वहीं से पूछ लेते हैं लोग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेगा तुमसे, IGP से क्वेश्चन होंगे, IR के क्वेश्चन होंगे बच्चे, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से भी कुछ, हाँ IGP के ज़्यादा पूछे जाते हैं हर जगह, तो IGP से क्वेश्चन होंगे बच्चे। पढ़ना सब है, मतलब जितना तुम लोगों को कराया जा रहा है उसको साथ साथ करते चलो, छोड़ मत देना। हाँ मैं सोच रहा हूँ खत्म हो, क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस पड़े हुए हैं उसमें, फिर होगा ये कि कुछ क्वेश्चंस होंगे फिर कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे, क्वेश्चन भी कर रेगुलर, चलो देखते हैं फिर रेगुलर ही करते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन भी कराने हैं, कई दिन से सोच रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कराने हैं। क्वेश्चंस ना आज बैठ के मैं निकालता हूँ रात में, क्वेश्चंस तो हैं ही बने हुए, बस वो निकाल के PDF रात में देखूंगा तो तुम लोग को मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, भेज दूंगा उन क्वेश्चनों को करना। हाँ बच्चे मान के चल मई तक है, ठीक है ना, अप्रैल मई लास्ट जाते जाते मई मान लो कि मई तक हम खत्म हो जाएगा कुछ बच्चे को नहीं वापस करने के लिए, अगर पहले डेट आ गया तो पहले खत्म कर देंगे, और मतलब मई तक कंप्लीट कर लेना, लेकिन उसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे के पोर्शन तुम तैयार करते चलो, ठीक है ना, ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है उसका जो जो पोर्शन पढ़ते जा रहे हो वो पोर्शन तुम्हें क्या कर लेना है, तैयार करते जाना है। मैं दे दूंगा ना क्वेश्चन तुम बुक के लिए, क्यों, कोई बुक नहीं है मार्केट में, हाँ? मैं दे दूंगा ना क्वेश्चन तो तुम्हें जितना चाहिए उतना क्वेश्चन, क्वेश्चन तो जितना चाहिए क्वेश्चन मैं दे दूंगा, क्वेश्चन के लिए तुम मत, अच्छा तो देख क्वेश्चन करके भेज देते हैं, तो तैयार कर देखना क्वेश्चन करके, अच्छा हाँ बच्चे क्लास खत्म, ओके बच्चे, ओके बच्चे, क्वेश्चन तो बहुत हैं, कम से कम 3-4 हज़ार क्वेश्चन करो ना प्रैक्टिस, क्वेश्चन तो तुम ले लो जितना चाहिए उतना क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन में भेज दो, मैं वही कह रहा हूँ क्वेश्चन टाइप मैंने खुद किए हैं बैठ के क्वेश्चन, ठीक है, मार्केट में कोई बुक नहीं है कि जहाँ से क्वेश्चन तो सारे ट्विटर, ओ आर गुप्ता पढ़ने लायक है इन्होंने, वो सारे गलत हैं आर गुप्ता, किसी भी पेपर के ले लोगे वो गलत है, आर गुप्ता कोई बुक नहीं है मार्केट में, कोई बुक ही नहीं बनाई गई, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में एक बुक आती है पॉलिटिकल साइंस की सबसे बेस्ट, लेकिन एक ही बुक है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए लिखी गई है जिसको हिंदी ने राजेश मिश्रा की है, राजनीतिक विज्ञान समग्र अध्ययन, वो 700-800 नहीं हुआ था, वो 700-800 पेज की बुक है, लेकिन वो पूरी हिंदी में उसे सारा क्वेश्चन फंस जाता है मैक्सिमम सब का, समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ना ना वो एक्चुअली हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं सिविल सर्विसेज को, उन्होंने बहुत मेहनत करके लिखे, मतलब हिंदी वैसी बुक तुम्हें
ना तो हिंदी मीडियम में मिलने वाली है ना तो इंग्लिश मीडियम में मिलने वाली है। उसका बहुत सारा फैक्ट्स तो मैं वहीं से तो तुम लोग